आरोपी का कबूलनामा, हिट एंड रन केस में आरोपी ने कबूल कर लिया है मिहिर शाह ने कि उसी ने गाड़ी ड्राइव की थी, कार वही चला रहा था। मिहिर ने यह भी मान लिया कि ड्राइवर सीट पर वही था उस वक्त। पुलिस ने मिहिर का ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर लिया है। तो पुलिस की गिरफ्त में है मिहिर शाह और अब उससे पूछताछ, सवाल जवाब हो रहे हैं। अब उसने ये बात भी कबूल कर ली है कि कार वही चला रहा था, लेकिन 60 घंटे के बाद भले ही ये गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन इसको लेकर अब आपको ये बताते हैं कि आखिर हिट एंड रन का गुनहगार पकड़ा कैसे गया, पुलिस उस तक कैसे पहुंची। तो आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं, देखिए 7 जुलाई की सुबह 5:30 बजे ये हादसा हुआ था। मिहिर ने पिता को फोन किया, पिता ने कहा कि सबसे पहले वहां से भाग जाओ। कार और ड्राइवर को बांद्रा के कलानगर छोड़कर वहां से मिहिर शाह भाग गया था। अब रिक्शा से गोरेगांव में गर्लफ्रेंड के घर गया वो, सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है। गर्लफ्रेंड ने मिहिर की बहन को फोन करके बुलाया, वहां पर पहले बहन को बुलाया, फिर मिहिर को लेकर बहन बोरीवली अपने घर चली गई। तो कहां कहां पर रहा, कहां छिपा, ये बता रहे हैं आपको। मिहिर को लेकर मां बहन मुंबई से 70 किलोमीटर दूर चले गए। शाहपुर के रिजॉर्ट से मिहिर विरार में दोस्त के पास आया, लगातार वो जगह बदलता रहा। पुलिस, परिवार, दोस्त, करीबी, गर्लफ्रेंड सबका फोन ट्रैक इस दौरान कर रही थी और उसी के बाद ये चीजें खुलकर आई सामने। 9 जुलाई की सुबह विरार वाले दोस्त का फोन ऑन हुआ। फोन जैसे ही ऑन हुआ पुलिस को लोकेशन मिली और फिर मिहिर की गिरफ्तारी हुई है। शाहपुर के रिजॉर्ट से मां बहनों को भी हिरासत में लिया गया और फिर मां बहनों के बयान भी दर्ज हुए। तो पूरा आपने देखा कि किस तरीके से वो कैसे लगातार अलग अलग जगह बदल रहा था। उसने कई दोस्तों के यहां पर, गर्लफ्रेंड के यहां पर शरण ली ताकि वो बच सके, लेकिन आखिरकार 60 घंटों के बाद ही ये गिरफ्तारी हो पाई है और अब इस मामले में पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। तो सूरज, आपसे समझते हैं कि इस मामले में देखिए कहां कहां रहा, किस किस के पास कितना समय रहा, ये सब तो खुलकर सामने आ गया, लेकिन मदद क्योंकि बड़े स्तर पर हो रही थी उसकी, वो छिप रहा था, पुलिस की पहुंच से बच रहा था, तो इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, कई चेहरे होंगे, उस तक कैसे, उनका खुलासा कब होगा, कैसे होगा? जी, इसी वजह से तो मुंबई पुलिस ने आरोपी की कस्टडी की मांग की। मुंबई पुलिस का साफ तौर पे यही कहना था कि आरोपी की मदद कोई तो है जो कर रहा था, और कोई एक शख्स नहीं कर रहा था, बहुत से लोग मदद कर रहे थे, और इसी वजह से उसे पकड़ पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था मुंबई पुलिस के लिए। और आरोपी को इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे थे। देखिए, आज आरोपी जब आया तो वो क्लीन शेव था, उसने अपने बाल कटवाए थे, तो पुलिस ने ये भी कहा कि क्या आरोपी को अपनी वेशभूषा भी बदलने के लिए किसी ने इंस्ट्रक्शन दिए। और देखिए, इतनी सफाई से बाल और दाढ़ी कटवाना, यानी कि किसी को तो बुलाया गया होगा या फिर किसी शॉप पर ले जाया गया होगा, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, हर कोई मुहैया करा रहा था एक सेफ पैसेज मिहिर शाह को, ताकि वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रह सके। लेकिन फाइनली मुंबई पुलिस के हाथ उस तक पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तब तक बहुत देर हो गई थी, करीब 60 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया था, और आखिरकार मिहिर की गिरफ्तारी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।